यहाँ पर लोटस का फ्लावर डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी समय पहले यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों ने अपना जान कुर्बान कर दी थी यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते, और आज फाइनली मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस जगह के बारे में मैं आपको पहले बताऊँ, उससे पहले आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। काफ़ी समय पहले यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों ने अपना जान कुर्बान कर दी थी यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते, तो उसी के सानिध्य में ये जगह का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपना बलिदान दिया था या फिर जितने लोग शहीद हुए थे उन सब के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस जगह का मैं नाम बताऊँ तो ये जगह बावन इमली के नाम से जानी जाती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर जो एक इमली का पेड़ है उसमें 52 लोगों को एक साथ अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी, तो तब से ये जगह बहुत ही फेमस हो गई। मैं आपको इमली का पेड़ दिखाता हूँ, वो सामने है, और ये एक स्टैचू बना हुआ है यहाँ पर। जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी उनका स्टैचू, बहुत ही क्रांतिकारी लोग थे। और ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये इसी को 52 इमली बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही शानदार जगह है जिनके याद में अभी भी ये जगह बहुत अच्छे से बनाई गई है। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपना बलिदान दिया था, अपने जीवन कुर्बान कर दिया था, उनका सभी का नाम लिखा हुआ है। तो मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ अभी, देखिए आप नाम देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने यहाँ पर जिनको फांसी दी गई थी, सब लोगों का इसमें इस पत्रों पर नाम लिखा गया है ताकि वो हमेशा अमर रह सकें, हमेशा लोग उनको याद कर सकें। बहुत ही अच्छा काम किया गया है। और ये देखिए इमली का पेड़ है जिसमें अंग्रेज़ों ने 52 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी थी, फांसी पर लटका दिया था। बहुत ही, आप तो जानते हैं, बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही निर्दयी थे अंग्रेज़ लोग। और ये देखिए पूरी जगह यहाँ पर बहुत ही शानदार जगह है, हरियाली से भरपूर, घूमने के लिए बेहद ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आके आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। और जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप, बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, आराम करते हैं, और यहाँ घूमने में भी बहुत अच्छा। ये देखिए इसमें पीछे साइड जंगल बना हुआ है, जो काफ़ी बड़ा जंगल है। यहाँ मैं अंदर नहीं जाऊँगा, आपको नहीं घुमाऊँगा, मैं बाहर से ही सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए झूले बने हुए हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए स्लाइडिंग के लिए बने हुए हैं। और चलिए मैं भी थोड़ा झूला झूल लेता हूँ इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है और सब लोग अपने अपने घर में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो इस वजह से लोग धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं निकल के आया हूँ, मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए एक ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉग तैयार करता हूँ। तो देखिए बहुत ही शानदार जगह है, और चलिए हम लोग इसमें बैठकर झूला झूलते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। चलिए मैं तो झूल चुका हूँ। और ये देखिए इस साइड स्लाइडिंग वाला झूला है, पीछे से चढ़ के जाते हैं बच्चे और इसमें खिसक के नीचे आते हैं। और ये शानदार, बिल्कुल बेहद ही शानदार जगह है। और ये देखिए पीपल का पेड़ है, मतलब छाया की यहाँ पर कोई कमी नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है। और बहुत ही यहाँ पर मस्त हवा भी चल रही है, तो यहाँ आके आप बोर नहीं हो सकते, कभी भी यहाँ आइए दोस्तों के साथ अपने घूमने। देखिए कितनी अच्छी जगह है, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है, ये देखिए। चलिए वहाँ मैं आपको पीछे का दृश्य दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे वही इमली का पेड़ है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और ये लोगों के बैठने के लिए जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर कुर्सियाँ बनी हुई, लोग बैठकर यहीं पर आराम करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बहुत ही मस्त जगह है ये घूमने के लिए। देखिए हरियाली यहाँ की कितनी बेहतरीन है, डस्टबिन रखे हुए हैं, लोग इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये देख बैठने के लिए बहुत ही अच्छी सीट बनी हुई है यहाँ पर। और ये आपको पीछे दिख रहा होगा पॉलीटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे शायद देख रहे हैं। और ये देखिए आपको बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लोटस का फ्लावर डिज़ाइन किया हुआ है, कितना बेहतरीन है, ऊपर से देखने में कितना अच्छा लगता है। और ये कला का ज़बरदस्त नमूना है, क्योंकि देखिए बहुत ही शानदार फूल बनाया हुआ है यहाँ पर कमल का।
और इसके बाद ये देखिए इसके पीछे साइड जंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ है नहीं शानदार देखने के लिए। आपको जितना था मैंने इस ब्लॉग में पूरा ही घुमा कर दिखा दिया। दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा आपको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स पर, तब तक के लिए बाय।